This is one household from 19th century, one family. Okay. A left. ऐसे खाना बनते थे, ऊपर से बर्तन इसमें गर्म पानी करते होंगे। गांव में दारू बनती होगी तो उसके लिए ही ये सब है। बैरल्स देखिए कितने बड़े हैं। तो ये हो गई केव की जर्नी, काफी अच्छी थी और केव काफी सही है यार। अगर आप आओगे सर्बिया तो ये केव में आप आ सकते हैं, वर्थ विजिटिंग है। पहले तो लगा यार इतना महंगा टूर कर रहे क्या, वर्थ होगा कि नहीं, लेकिन अभी लग रहा है कि एक्चुअली मैं डिसीजन सही था। यूरोप में ज़्यादातर सर्बिया में टूरिज्म के लिए आते हैं नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितनी भी अनपॉपुलर कंट्री होती है ना वो उतनी हिडन होती है, उतना ही अच्छा लगता है उसे एक्सप्लोर करने में। तो आप आइए सर्बिया, इंडियंस के लिए के तो वीज़ा फ्री है। तो अगर आप सर्बिया ट्रिप अपना प्लान करना चाहते हो तो दो मेन पॉइंट्स है। पहला तो आप आइए मार्च से लेके अप्रैल मई तक, ठीक है। उसके बाद जो है ना सितंबर और ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर जो है ना बेस्ट हो जाता है, क्योंकि ऑटम का महीना होता है और आपको ऐसे कलरफुल जो है पूरी वादियाँ दिखाई देती है। तो ये टाइम पर आप आओगे ना सर्बिया तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ भी गिरती है, स्नोफॉल भी होता है विंटर में, जैसे कि दिसंबर जान फेब में। और यहाँ पे अगर आप स्कीइंग करना चाहते हो तो आप ये मंथ में आ सकते हो। लोग गरम कपड़े इधर बेच रहे हैं, इधर देखिए लोकल जैम्स और जूस भी है अलग अलग टाइप के, सब इधर लोकल चीज़ें ये लोग जो बनाते हैं इधर बेचते हैं। तो आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन लिखी है ना वो सर्बियन में लिखी है, वो समझ में नहीं आ रही है। तो ड्राइवर साहब ने बोला कि भाई अंदर जाओ देखो, देख के आते हैं भाई क्या है अंदर ऐसा। उधर तो ग्रेवयार्ड दिख रहा है, ये चर्च है, ये चर्च है एक छोटा सा, आके देखते हैं अंदर क्या है। एक छोटा सा गांव है पहाड़ी में, उसके ऊपर हम लोग आए। तो ये चर्च है, चर्च, और इधर ये लोग प्रेयर करने आते हैं। काफी पुराना चर्च लग रहा है मुझे। तो इधर अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, और इधर मैंने नेट में रिसर्च किया था कि एक विलेज है वुडन विलेज, तो वो देखने जा रहे हैं। काफ़ी लोग इधर आए और काफ़ी फेमस है ये विलेज, काफ़ी बढ़िया विलेज है। आजू बाजू में पूरी पाइन ट्रीज से ही घिरा हुआ है। ये जो पेड़ है आपको ये हिमालयस में आपको दिख जाएंगे इंडिया के, सेम पाइन ट्रीज इधर भी है। तो अभी हम लोग ये विलेज का एंटर कर रहे हैं, एक प्यारा सा गांव है। तो ये है ओपन एयर म्यूजियम ओल्ड विलेज, मतलब ये पूरा विलेज है, इतने सारे घर हैं इसमें देखिए। हाउ मच वन टिकट टू हैंडल। ओके, दिस इज वन हाउसहोल्ड फ्रॉम 19th सेंचुरी, वन फैमिली। ओके, अ लेफ्ट सेकंड हाउसहोल्ड। Okay. This house is open. You can visit it now. First start here and the big house next. First from we go from here. And here. Okay, yes. Here. Small houses. Yes. First house, first door, exhibition. Okay. House with floor, souvenir shop. Okay. Down restaurant. Okay. First here, please. Okay. तो ये देखिए ये पूरा गांव है। इधर जो है ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने ले लिया है टूरिज्म के लिए, तो इधर आपको लोग दिखेंगे नहीं, लेकिन ये घर कैसे बने हैं वो हम देखते हैं। तो ये देखिए ये एक घर है छोटा सा, जमीन से उठा हुआ, इधर ठंड काफी होती है तो जमीन से उठा हुआ घर है। Mm-hmm.
ये तो ऐसी स्टोर रूम टाइप का घर लग रहा है मेरे को, स्टोर रूम टाइप का छोटा सा घर। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट। हाँ तुम्हारे ऐसे ले रहा हूँ। अच्छी आ रही है। तो ये देखिए बीच में से कौन रखे हुए हैं घर के, और ऐसे ये लकड़ी से ये लोगों ने पूरा ऐसा रोप जैसा यूज़ किया देखिए घर को, एकदम घर नहीं बोलूँगा, एक स्टोर रूम टाइप का है, इधर कौन रखा जाता था। तो ऐसा होता है ना प्रिमिटिव चीज़ें, वैसे ही आपको ये दिख रही है, देखो यहाँ से आप खोल सकते हो, और ऐसे छोटे छोटे स्टोर रूम में, और साथ में ये बड़ा घर है। अब बड़ा घर में चलते हैं। तो ये देखिए ये एक और बड़ा घर है, ये तो रहने वाला घर है, और साथ में ये छोटे छोटे आपको ऐसे इधर इनके स्टोर रूम दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा घर है। This main house is from 1882. अच्छा, तो 1882 में बनाया गया, इधर पहले लोग रहते थे, आजकल नहीं रह रहे, अब सब म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए ऐसे खाना बनता था, पुराने लोग थे ऐसे खाना बनते थे, ऊपर से बर्तन इसमें गर्म पानी करते होंगे, ये अलग अलग बर्तन है इनके, ये पूरा वुडन का ही है ना। इसमें ये शायद डाइनिंग टेबल या ऐसे बैठ के लोग खाना खा सके। तो इधर देखिए ऐसे इनके बर्तन है, तो खाना जो बनता था वो लकड़ी में ही बनता था। तो इधर आप देख सकते हैं ऐसा ब्लैक ब्लैक हो गया सब कार्बन, तो ये एक चीज़ है, और ऐसे बर्तन है। ये तो हमारे गांव में भी ऐसे बर्तन यूज़ करते थे एक स्टोर रूम के लिए, ऐसा उठता है और इसके अंदर आप सामान रख सकते हो इधर। और ये सब वुडन चीज़ें हैं ना, बहुत सालों तक चलती हैं जो भी वुडन चीज़ें होती हैं, इसलिए वुड के बर्तन काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये देखो तुम्हें कुटा हूँ इसमें। मैं चली गई है ये तो यार, पूरा उत्तराखंड में जैसे हर्षिल में आप देखोगे, मेरे वीडियो में भी आपने देखे होंगे ऐसी वुडन घर होते हैं, और अंदर देखिए ऐसा बेड रखा है, और काफी सारे ये जो कपड़े बुनते हैं उनका सामान रखा है इधर। अभी हम नीचे जाते हैं थोड़ा, देखिए आप बैरल कैसे बनाते थे, वुडन बैरल, और वुडन जो भी है इनका जो आपने देखा लकड़े के काफ़ी सारे बर्तन यूज़ करते हैं, तो वो ये इन चीज़ों से ही बनाते थे। तो यार काफ़ी अच्छा है, पुरानी चीज़ें काफ़ी प्रिजर्व करके रखी है। लेकिन ये विलेज में लोग एक्चुअली में 1800 के टाइम रहते थे, इधर सेम ही चीज़ है, इधर कपड़े वपड़े जो बनाते थे वो सब है। ग्रीन एप्पल लग रहा है मेरे को, ये ग्रीन एप्पल है। मिलता कि हमें ग्रीन एप्पल का पेड़ दिखा, और सुन हम देखते ही कोई भी चीज खा जाती है, तो देखिए इधर खाने लग गई वो, मैंने भी तोड़ा है मेरे लिए। अच्छा लग रहा है टूर करके। तो ये जो विलेज है काफी बड़ा है, छोटा मोटा है नहीं, अब एक और घर में जा रहे हैं, ये थोड़ा मॉडर्न टाइप का घर है। ये नहीं देखना, शायद इधर गांव में दारू बनती होगी, तो उसके लिए ये सब बैरल्स देखिए कितने बड़े हैं। इधर कुछ लिखा होगा ना, इधर है ना लिखा हुआ। इधर जो रकीजा वर्ड है ना, वो एक्चुअली बोल रहे कि ये हिंदी वर्ड से ओरिजिन हुआ है, जिसका एक्चुअल में हिंदी जो था वो अरख रख करके था, तो रकीजा उससे बना है। और इसके लिए जो मेन फ्रूट जो यूज हुआ था, यूज हुआ होता था, वो प्लम है। प्लम से ये ब्रांडी बनाते थे, और उसी का ही एक नमूना इधर ये लोगों ने पेश किया, अब तक प्रिजर्व करके रखा है। तो चलिए अभी ये घर में चलते थोड़ा,
गांव में आए तो हर एक घर में जाते हैं, वरना गुस्सा हो जाएंगे। पॉटरी पॉटरी सोनम सोच रही कि वो एक घर खरीद के इधर ही बसेगी। थैंक यू सोनम, तुम इधर ही बसने वाले हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और मैं चलता हूँ आगे। तो अभी हम लोग ऐसे गांव के ही रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं और आगे हमने लगभग सब घर देख लिए, सेम ही है, बस लोग नहीं है। गांव के अंदर घर जो है वो अभी खाली रखे हैं गवर्नमेंट ने, ताकि लोगों को पता चल सके। और इधर काफ़ी भीड़ जमा हुई है आगे, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, और ये देखिए पक्षियों के पानी के लिए ऐसा ये भी रखा है। इधर हर जगह कॉइन्स डालते हैं, पता नहीं पानी में क्या रिवाज है। तो इधर अगर आपको कुछ यहाँ से जुड़ी यादें खरीदनी हो तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो इधर पेंटिंग्स भी है देखिए आप, और इधर हनी जो भी इधर लोकली बनता है, देखिए हनी नेक्टर के साथ ऊपर रखा है। काफ़ी चीज़ें हैं इधर, ये इधर ब्रांडी है शायद रखी जा। देखिए इधर की ब्रांडी काफी फेमस है, रखी जा यही है ब्रांडी। ऊपर जूस, तो अंदर ऐसी काफी सारी चीजें रखी गई है। वो अभी विलेज टूर तो ले लिया हमने, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्पॉट क्या रहेगा। विलेज टूर तो हो गया, लेकिन ये टाउन देखिए ये भी काफी प्यारा है। सामने ऊपर पहाड़ दिख रहा है, और इधर हमारे ड्राइवर साहब है गाड़ी लिए। तो ऐसे काफी सारे घर हैं इधर टाउन में, तो आप आ सकते हैं। ये सिरेगोनो टाउन है, और इधर ही ये जो इकोलॉजिकल विलेज है जो हमने देखा। तो अभी हम लोग आगे जाएंगे वाटरफॉल देखने के लिए। कुछ भी बातचीत हो रही तो उनको कोई बंदा है जो इंग्लिश जानता है वो हमें कॉल कर रहा है, और वो इनको समझा रहा है और फिर बाद में हमें समझा रहा है। तो ऐसे जो है काम चल रहा है हमारा। तो अब चलते हैं अगले डेस्टिनेशन में।